तो गाइस यार बहुत सारे लोगों को मिस्टर इंडियन हैकर का आर कलेक्शन देखना है, उन्हें ये जानना है कि भाई यार आपके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं और आप उन्हें किन किन चीज़ों में इस्तेमाल में लेते हो। और साथ ही साथ मेरा भी इस वीडियो को बनाने के पीछे के दो मकसद है। पहला तो ये कि इंटरनेट पर जो बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हो रखी है उनके अंदर कुछ कमियाँ हैं तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़, हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ ना गाइस, उनकी हर एक की अपनी अपनी एक अलग अलग स्टोरी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप भी उससे इंस्पायर हो, थोड़ा सा मोटिवेट हो और अपने लाइफ के अंदर जो भी लक्ष्य है उसे पूरा करो। और साथ ही साथ गाइज यार मैं जो है आप लोगों के साथ में एक खुली किताब की तरह रहना चाहता हूँ। तो गाइज यार अब पेश है आपके सामने मिस्टर इंडियन हैकर कार कलेक्शन। तो गाइस यार शुरुआत करते हैं इससे, ये है हमारी रानी अब तक की सबसे पावरफुल कार, ये है मारुति सुजुकी की एस्टीम। हमारी रानी यार देखो, आपको तो पता ही है इस गाड़ी के साथ में हमने कितनी सारी वीडियोस बनाई है, कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके बावजूद भी ये जो कमाल की गाड़ी है ये चलती है। वैसे इसके अंदर एक दिक्कत है कि इसे चलाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जब इसे रिमोट कंट्रोल बनाया था तो इसके अंदर जो कुर्सी थी उसे हमने हटा दिया था, तो अब ये नई कुर्सी हमने लगा रखी है तो ड्राइवर को इसके ऊपर बैठना होता है और उसके बाद इसे चलाना होता है। और स्पीड वगैरह देखने के लिए स्पीडोमीटर है काफ़ी कमाल का और स्टीयरिंग भी बहुत हल्की है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये अभी भी चलती है बिल्कुल मस्त कंडीशन के अंदर। तो हमें अगर कोई भारी चीज़ लानी होती है तो इसके अंदर रख के हम लाते हैं, ठीक है। तो इस गाड़ी को तो आप पहले से ही जानते हैं, इसके बाद में आ जाते हैं इस पर। ये है हमारी Hyundai की वर्ना गाइस, ये टॉप मॉडल है और आपको दिखाता हूँ देखो। तो गाइस यार ये जो कार है ना, इस प्राइस रेंज के अंदर लग्जूरियस सेगमेंट के अंदर सबसे प्यारी कार है, बहुत प्यारी कार है गाइस। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आ जाओ। वैसे तो आपने एयरबैग वाली वीडियोस के अंदर देखा होगा तो इसकी जो एसी है बहुत शानदार है, जो पावर स्टेयरिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा औसम है। साथ ही साथ इसके अंदर सनरूफ है, ठीक है, और ये मैनुअल है। और इसका जो बेस है ना गाइस, जो म्यूजिक सिस्टम है वो कंपनी से फिटेड है क्योंकि टॉप मॉडल है तो कंपनी से आया था और बहुत ही ज़्यादा औसम है। और ये जो कार है ये हमारी फैमिली कार है, यानी कि हम सब के अंदर से किसी की भी फैमिली को अगर कहीं पे जाना होता है तो इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इसे बहुत ज़्यादा नाज से रखा जाता है, मतलब कि बहुत प्यार से, इसे कोई भी मतलब नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है। अंदर से आप देख लो कि यहाँ पर इस तरीके की इसकी की है और पावर स्टीयरिंग है, यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए कुछ है और एसी वगैरह है और ये मैनुअल है, ठीक है। इसके अंदर ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता है और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देखो। तो ये एक तरीके से हम सब की है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं इस पर, ये है ओपेल की कोर्सा 1.4। अभी रिसेंट वीडियो के अंदर आपने देखा कि इसे हमने पानी के अंदर कुदा दिया था और कुदाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि अंदर से इसकी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है और अभी भी इसका एसी काम करता है और ये गाड़ी चलती है। बस एक दिक्कत है कि इसकी पेट्रोल की टंकी के अंदर पेट्रोल की जगह पानी भरा हुआ है क्योंकि हमने इसे पानी के अंदर कुदाया था। और ये गाड़ी लेके आया था बलवीर को, ये एक जगह पे पसंद आ गई थी तो उसने कहा इसे लेके चलते हैं और इसके ऊपर ही कोई वीडियो बनाएंगे। तो उसके बाद में ये वीडियो बनी और गाड़ी आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं इस गाड़ी पे, चारों तरफ से देख लो गाइस, ये एक तरीके से ओडी है। जी हाँ गाइस, बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी है और बहुत ही ज़्यादा औसम है। और इसे भी हमने काफ़ी टाइम पहले ख़रीदा था और ये भी बलवीर और गोविंद की पसंद से आई है, ठीक है। उन्हें ये गाड़ी पसंद आ गई थी तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने इसके इंजन से मैगी बनाई थी, साथ ही साथ बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर हम इसे बहुत भयंकर तरीके से चला रहे थे। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है इसका भी एसी बहुत बढ़िया है और इसके अंदर जो म्यूज़िक सिस्टम है उसके रूप में सीडी लगती है यहाँ पर देखो। और वो जो अनार चलाया था हमने इसके ऊपर, उसके बाद में ये जो कांच है इस तरीके से क्रैक हो गया है, उसके बाद में इस गाड़ी को हम कम ही चलाते हैं। उसके बाद में हमने इसके अंदर डीजे भी बजाया था, डीजे से साइड वाली जो विंडो थी वो फट गई थी। अंदर से देखो भाई बहुत ज़्यादा स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। ये है स्विफ्ट डिज़ायर, ये भी बहुत प्यारी कार है गाइस। अंदर से देखो ये भी बिल्कुल नई कंडीशन के अंदर है। और ये जो गाड़ी है ये है हमारे सीए साहब रवि बादशाह की, ठीक है। तो रवि ने इसे खरीदा था, रवि को ये गाड़ी पसंद थी तो रवि ने इसे खरीदा था। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नई कंडीशन के अंदर है, एसी वगैरह सब है, टॉप मॉडल है। तो जो अभी नया वेरिएंट है ना स्विफ्ट का, ये वो है, वाइट कलर है या क्रीम है, वाइट है क्रीम है, वाइट क्रीम आप देख लो यार आपको दिख रहा होगा। तो इस तरफ से भी देख लो,
काफी प्यारी कार है गाइस। कार रोड के बाद में आ जाते हैं हमारी सबसे भयंकर और प्यारी कार की तरफ। ये है मर्सिडीज बेंज और इसे खरीदा है ये मोटे इधर आ। तो हम एक दिन ऐसे ही जा रहे थे तो कहीं पे हमें ये गाड़ी दिखी। मोटे ने कहा भाई ये गाड़ी चाहिए। मैंने कहा ठीक है खरीद लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, तुझे पसंद है तो ले लेते हैं। लेकिन हमने सोचा फिर करेंगे क्या, बोले खरीद तो लो चलाएंगे और उसके बाद में ऑडियंस से पूछ लेंगे कि भाई इसके साथ में करना क्या है। और गाइस ये जो गाड़ियां हैं, मतलब ये जो गाड़ी है इतनी सारी गाड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा लग्जूरियस है। देखो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका जो लोगो था सामने का मर्सिडीज का, ये वीडियोस बनाते टाइम ही ये लोग ज्यादा जोश में आ गए थे तो एक भाई लोगो पे ही बैठ गया था तो वो लोगो टूट गया। बाकी अंदर से देखो भाई बहुत ज्यादा प्रीमियम कार है ये, और इस तरीके की इसकी की है, देखो इस तरीके की इसकी की है, और ये ऑटोमेटिक है। ये कब 0 से 100 पहुंच जाती है पता ही नहीं पड़ता, और कितनी स्पीड हो अंदर बैठे हुए इंसान को पता ही नहीं चलता। तो चलो मैं आपको इसे दिखाता हूँ चला के, और इसके साथ में एक स्पेशल सरप्राइज भी है तो वो भी है। तो पहले इसे चला के दिखाते हैं। मोटे आ जा। अब अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स आते हैं, जी हाँ गाइस 1 मिलियन लाइक्स आते हैं, तो वो जो अपनी सुजुकी एस्टीम है उसे हमने जिस तरीके से रिमोट कंट्रोल बनाया था उसी तरीके से इस गाड़ी को, देखो इतनी लंबी चौड़ी इस कमाल की कार को हम रिमोट कंट्रोल बनाएंगे और इसे भी रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। तो गाइस यार बहुत खर्चा होने वाला है, और मेन पर्पज हमारा यही था इस गाड़ी को खरीदने के पीछे का कि हम इसे रिमोट कंट्रोल से चलाए। तो गाइज अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स होते हैं कंप्लीट तो हम इसे बनाएंगे रिमोट कंट्रोल से। तो आपके हाथों में है, फटाफट से 1 मिलियन लाइक्स कर देना, अगर हो जाएंगे तो ये चलेगी रिमोट से, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं इस पे, ये है स्विफ्ट VDI, ये भी बहुत ही प्यारी कार है, और इसे जो है इन सब गाड़ियों से पहले ही मोटे ने और रवि ने मिलकर खरीदा था। तो अभी भी इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ है, लेकिन ये रफ एंड टफ तरीके से इसे चलाते हैं बहुत भयंकर तरीके से इसे चलाते हैं दौड़ाते हैं उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छे से चलती है। तो ये है स्विफ्ट VDI, देख लो इसे भी देख लो, ठीक है। और उसके बाद में आ जाते हैं टाटा नैनो की तरफ। तो गाइस यार पर्सनली मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहली कार जो है वो खरीदी है टाटा नैनो, लेकिन वो कार ये कार नहीं है। वो कार वो है जो कि आप पहले की वीडियोस के अंदर देखते थे, वो थी, लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है, उसे जो है घर पे ही खड़ी रहने देते हैं हम, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आ गया है, वो चलने फिरने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन ये कार जो है ये वो कार है जिसे कि हमने पानी के अंदर डुबो दिया था, पूरी तरीके से निकाला था, वो मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये चलती है, ठीक है। इसका कांच भी हमने फोड़ दिया था, कोई वीडियो के अंदर तो नया लगवाया है, क्योंकि ये रफ एंड टफ चलती है, तो सामान वामान लाने के लिए इसे कोई भी उठाता है और लेके चला जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं इसकी तरफ, ये है ओमिनी, और ये जो कार है ये भी हमारे पास काफ़ी टाइम पहले से थी, जब यूट्यूब नहीं करते थे तब भी हमारे पास ओमिनी थी। और ये कार अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अंदर से हमने इसे पूरा खोल रखा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम में आती थी सब्जी वगैरह ले जाने में। जी हाँ गाइस, जब मैं खेती का काम करता था सब्से ज़्यादा, तब मुझे अगर कोई सब्जियाँ उब्जियाँ ले जानी होती थी तो ये बेस्ट होती थी, जो धने वने की पोर्ट होती थी उसे हम इसके अंदर रखते थे और लेके जाते थे और बेच के आते थे। तब से ये गाड़ी हमारे पास है, हमने इसे बेचा नहीं है। उसके बाद में आ जाते हैं इसकी तरफ, ये है महिंद्रा की बोलेरो। और गाइस यार ये कार भी हमने काफ़ी टाइम पहले ली थी, और इसे लेने का मेन पर्पस ये था कि इसे हमें एज अ जॉब लेनी थी, मतलब कि इसे हमने ख़रीदा और जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है उसके अंदर हमने इसे लगाया और उसी के अंदर ये चलती थी। लेकिन अब मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया है तो वहाँ से इसे हमने हटा दिया है, और अभी ये हमारे ही काम आती है, ठीक है। तो इसे भी कोई भी ले जाता है, जब जिसको ज़रूरत होती है वो उठाता है और लेके चला जाता है। अंदर से देख लो इस तरीके की है, और ये भी काफ़ी टाइम से वीडियोज़ में ही काम में आती है, आप देखते होंगे। उसके बाद में इधर आ जाते हैं, ये है महिंद्रा की बोलेरो कैंपर 4x4। इस गाड़ी की अच्छी बातें तो बहुत सारी है कि भाई ये रफ एंड टफ है, पहाड़ों में ले जाओ कहीं पे भी ले जाओ, साथ के साथ पीछे अगर कोई सामान भी भरना हो तो पीछे की तरफ डिग्गी है, इसके अंदर सामान भर लो। लेकिन इसकी बुरी बात ये है कि अंदर से दिखाता हूँ, देखो इसके अंदर एसी नहीं है यार तो महिंद्रा बोलेरो 4x4 के अंदर एसी नहीं आती है जहाँ तक मुझे पता है,
और इसीलिए हमने बिना एसी के ही इसे खरीदा है। एसी की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन राजस्थान है, राजस्थान के अंदर आपको पता है कि कैसी गर्मी पड़ती है, तो अगर एसी होता है तो थोड़ा सा लंबे टूर के अंदर अच्छा हो जाता है। बाकी देख लो अंदर से, ये भी A1 कंडीशन के अंदर है, नहीं नहीं है अभी तो नंबर भी नहीं आए, ठीक है। तो ये है 4x4 और उसके बाद में आ जाते हैं इधर की तरफ। तो गाइस ये हम सबकी पसंद से खरीदी गई है, ये ना मेरे अकेले की पसंद की है, ना विक्रम की, ना गोविंद की, ना बलवीर की, ये हम सभी की चॉइस थी, ठीक है। हम सभी ने डिसाइड किया कि ये गाड़ी लें अच्छी सी 4x4, क्योंकि अपना ज़्यादातर टूर जो होता है घूमने का वो पहाड़ों में होता है, ऐसे कच्चे रस्तों में होता है। साथ ही साथ गाँव के अंदर अगर आप ऑडी लें, BMW लें, वो सक्सेस नहीं है, वहाँ तो यही सक्सेस है 4x4 और ऊँचा, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो। अभी देखो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180 mm और इसका है 214 से 225 mm के बीच में। ये भी दिखा देता हूँ आपको, आ जाओ, वैसे तो आप देखते रहते, फिर भी दिखा देता हूँ, देखो आ जाओ। तो ये है सिग्मा 4, जिस टाइम हमने ख़रीदा था, अभी तो नई फॉर्चुनर भी आ गई है शायद तक, जिस टाइम हमने ख़रीदा था ये सबसे टॉप मॉडल था। ऑटोमेटिक है, आप देख सकते हैं फुली ऑटोमेटिक है, और ये रहा 4x4 करने का मोड। देखो जो पुरानी फॉर्चुनर आती है उसके अंदर यहाँ पे भी एक गियर आता है, उससे अगर अपने को 4x4 करना हो तो वो होता है, लेकिन इसके अंदर ये स्विच है, इस स्विच को दबाने से ये 4x4 और दूसरे वेरियंट्स के अंदर बदल जाती है। देखो ये रहा, ठीक है। और साथ ही साथ ये गाड़ी ऐसी है, इसके अंदर 8 बंदे आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि पीछे सीट है, देखो ये रहे। और ये जो सीट है आपको तो पता ही है, इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, देखो पीछे बैठ जाओ, ये भी फोल्ड हो जाती है और वो भी फोल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो कार है पूरी टीम के लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि सभी को कहीं पर जाना हो इसके अंदर भर जाओ और भर के कहीं पर भी चले जाओ। तो एक बार और आपको मैं दिखा देता हूँ, वॉक अराउंड दे देता हूँ। ये देखो सिग्मा 4 है, ठीक है। ये कार और जो वरना कार है वो बेसिकली मतलब कि हमें जैसे कि कोई ऐसा काम करना हो जिसके अंदर टूट फूट ना हो, तो इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे टूट फूट हो रही होती है या फिर कोई भारी काम करना होता है, तो उसके लिए ये हमने ले ली है। और उसके बाद में ये रही बुलेरो, अधिकतर वीडियोज़ में आप इसे देखते ही हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका भी यूज़ आजकल हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये तब के लिए थी जब मैं खेती वेती करता था, और हमारे घर वालों को और मेरा भी ये एक असूल है कि अगर कोई गाड़ी खरीद ली तो उसे वापस हम सेल नहीं करते, इसीलिए इतनी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई है, क्योंकि हम बेचते ही नहीं, ठीक है। और चालू कंडीशन में भी ये बेचने का भी मतलब नहीं बनता। फिर ये आगे टाटा नैनो, एक और टाटा नैनो थी वो घर पे है, ठीक है। ये आगे स्विफ्ट VDI, स्विफ्ट डिज़ायर, वो रही ये देख लो मर्सिडीज़ की E200। अब देख लो इतनी महंगी कार को हम रिमोट कंट्रोल बनाने वाले हैं, अगर आप इस टारगेट को पूरा करेंगे 1 मिलियन के, तो क्योंकि अगर उसे रिमोट कंट्रोल बनाने चले ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बहुत जगह जगह पे वेल्डिंगें करनी होगी, जगह जगह पे चीज़ें काटनी होगी, तोड़नी होगी, तो खर्चा तो आने वाला है डेफिनेटली। उसके बाद में ये भी अभी चालू कंडीशन के अंदर है, ये भी एक नंबर कार है, ओडी से कम नहीं है, ठीक है। और ये देख लो ओपेल वरना, और ये रही अपनी रानी। तो गाइस बस इतना ही था, और बाइक्स के अंदर भी आपको कुछ दिखा देता हूँ, हालाँकि सारी गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं है। ये है पल्सर 220, ठीक है। आपके मन में कोई भी शक या फिर कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, ये 220 है, इसे मैंने ख़रीदा था किस्तों पे, एक किस्त अभी भी ड्यू है क्योंकि मैं उस टाइम पे भर नहीं पाया था, और फिर वो कागज़ों के अंदर ही वो चीज़ अभी तक भी वैसी की वैसी ही है, और इसे मैंने ख़रीदा था यार। उस टाइम पे इसकी किस्त आती थी 2500 रुपये के आसपास, और जो डाउन पेमेंट था वो मैंने कराया था, एक मिनट याद कर दो मुझे, 40,000 रुपये डाउन पेमेंट कराया था, ठीक है। इसके बाद में ये एक्टिवा है, इसके बाद में ये बुलेट है, उसके बाद में ये एक और एक्टिवा है, एक और बुलेट है, एक स्प्लेंडर है, 2 स्प्लेंडर और है, 3 बुलेट और हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, ये सभी के हैं, ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ एक चीज़, लो इधर आओ, सभी से एक सवाल पूछना है, आ जाओ। एक चीज़ है जो कि पब्लिक को बतानी है और उनसे आप लोगों से भी पूछनी है। तो पब्लिक ऐसा बोलती है कि मैं तुम सबका बॉस हूँ, मैं बॉस हूँ क्या? कौन? आप? हाँ मैं बॉस हूँ क्या तुम सबका? वो तो वीडियो बनाते हैं। तो गाइस ऐसा कोई बॉस वॉस का सीन नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली होता ये है कि देखो कोई भी काम हो तो उसके अंदर डिसिप्लिन ज़रूरी है, तो आप लोगों के सामने ऐसी थोड़ा ना उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हैं। वैसे तो ये मुझे उठा के फेंक देते हैं कहीं पे, कुछ बोल दिया तो चाटा वाटा भी धर देते हैं, जो नॉर्मल दोस्तों में होता है सब कुछ वैसा ही होता है। बस ये कि वीडियोस के अंदर अधिकतर लीड मैं ही करता हूँ, इसीलिए आप मुझे ही देखते हैं, मैं ही बोलता रहता हूँ। इनका काम थोड़ा सा अलग अलग बटा हुआ है, इनका अलग डिपार्टमेंट अलग काम है, इसीलिए इनको आप ज़्यादा नहीं देखते हैं। बाकी बॉस वॉस जैसी कोई बात नहीं है, हम सब भाई हैं और भाई ही रहेंगे, ठीक है। आप लोग भी भाई हो, भाई रहोगे, मारना मत वीडियो खत्म होने के बाद। बहुत सारी वीडियोज़ में होता है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ में होता है, वीडियोज़ में इसको अगर कोई गलत बोल देता हूँ या फिर मतलब कुछ, बाद में फिर मेरी खिंचाई होती है लोगों के सामने ऐसा। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है,
अब खुल गई किताब, आप लोग मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, अब कोई किंतु परंतु नहीं है, बस है तो आपका दिल, मेरा दिल और उसके बीच में जो मजबूत रिश्ता है वो। तो आज के लिए बस इतना ही, ये था कार कलेक्शन आप लोगों की डिमांड पे ही, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि गाड़ियाँ होने से कुछ भी नहीं होता भाई। मैं आज भी पैदल आता हूँ, जहाँ पे घर है वहाँ से ऑफिस है, किसी से भी आके पूछ लेना, मैं हमेशा पैदल ही आता हूँ घर से यहाँ तक। गाड़ियों का इस्तेमाल तो इसलिए यार था कि हम जो काम करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, जो काम है उसकी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ जाए। बाकी गाड़ियों का ही काम है, अधिकतर वीडियोस गाड़ियों पे ही बनती है, तो इसलिए गाड़ियां हैं इतनी सारी, बाकी कोई बड़ी बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।